देखो, हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो तरह से होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसमें हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यू पार्टनर के कैपिटल को उसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कैपिटल आती है, टोटल कैपिटल को हम न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कोई भी मेथड आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे न्यू का ओल्ड के बेसिस पे या ओल्ड का न्यू की बेसिस पे, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। क्या करना है हमें, टोटल कैपिटल जो फर्म की टोटल कैपिटल होती है उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, न्यू रेशियो में। अब आपके पास न्यू पार्टनर की कैपिटल है तो टोटल कैपिटल इजीली निकाल लेते हो, रिवर्स उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हो। लेकिन जब आपके पास न्यू पार्टनर की कैपिटल है ही नहीं, और क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि न्यू पार्टनर की कैपिटल डिटरमाइंड करनी है आपको किन पार्टनर के बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे, अभी भी हमें टोटल कैपिटल ही चाहिए, ठीक है। टोटल कैपिटल आपके आएगी जब आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट करोगे, उससे न्यू पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। समझ में आया? पहले क्या हो रहा था, टोटल कैपिटल से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट हो रही थी, इस बार टोटल कैपिटल से न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस मेथड में क्या होएगा, आपकी जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है वो क्वेश्चन से गायब रहेगी, वो आपको क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहेगी। इतनी बात समझ में आई? तो जब भी आपको न्यू पार्टनर के कैपिटल डिटरमाइन करनी हो या न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना हो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, रिवेल्यूएशन तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। हम डायरेक्ट स्टार्टिंग करते हैं कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। ये जैसे हमने पार्टनर कैपिटल बना लिया, ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया और ये हमारे तीन पार्टनर हो गए, ये पर्टिकुलर, ये ए बी और सी सी, ठीक है। ये जैसे इधर भी ऐसे कर लिया, पर्टिकुलर ए बी और सी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बी डी, ठीक है। ये ए का हो गया और बी, ये बी का हो गया, ठीक है। फिर हम लोग बाई कैश लिखते हैं या बैंक जो भी हो, न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं। ये कैपिटल अभी फिलहाल क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, ये मिसिंग है, यही तो निकालनी है। जब यही दी हुई होती थी तो हम क्या करते थे, इसको इससे टोटल कैपिटल निकाल के और न्यू रेशियो में डिवाइड करके टू बैलेंस शीट आ जाता था हमारा। समझ में आया? इस बार ही क्या होएगा, इस कैपिटल को आपको किस बेसिस पे निकालना है, ए और बी की कैपिटल के बेसिस पे। अच्छा ठीक है, गुडविल ऐसे लिख देते हैं, बाय गुडविल, अगर वो कैश देता है तो, और अगर वो कैश नहीं देता है तो हम ऐसे लिखते हैं, बाय सीज करंट अकाउंट। जब कैश देता है तो गुडविल कैसे डिवाइड होती है, गुडविल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और जब कैश नहीं देता है तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल, ठीक है। ये जैसे गुडविल डिवाइड हो गई, उसके बाद में कोई पी एन डल या रिजर्व डिवाइड करना हो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिवाइड करना हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिवाइड करना हो, जो बचा वो पार्टनर में बटता है, ऐसे ही बटेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो भी इधर आ सकता है, ठीक है, या फिर रिवेल्यूशन का लॉस आ जाए तो इधर आ जाए, या फिर कोई ये कैश लेके चले जाए, गुडविल का पैसा जो आया वो वापस लेके जाए, तो ऐसे कुछ पार्टनर कैपिटल बनता है, ठीक है। मतलब जितना पार्टनर कैपिटल आपसे बन सके आपको पूरा पार्टनर कैपिटल प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब सी की कैपिटल कैसे निकलेगी, हमें क्या करना है, ए की और बी की कैपिटल निकालनी है आपको, क्या करना है, ए और बी की कैपिटल आपको निकालनी, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। जो पहला वाला एडजस्टमेंट था ना उसमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से नहीं आती थी, उसमें वर्किंग नोट से आती थी न्यू रेशियो में डिवाइड करके। इस बार कैपिटल आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालनी है,
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ आपको बैलेंसिंग फिगर से ऐसे कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो ये वाली कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे, ये ए की और ये बी की। ठीक है, इन सब इसको इन सब को ऐड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इन सब को भी ऐड करेंगे, उधर से लेस करेंगे, तो ये किसकी कैपिटल आ गई, ये ए की और ये बी की। अब सी की कैपिटल किस बेसिस पे निकलेगी? इस बेसिस पे, ए और बी की कैपिटल के बेसिस पे। इन कैपिटल के बेसिस पे नहीं, क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे, ध्यान रहे, ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे नहीं। ये तो हम क्वेश्चन में सोल्व कर लेते बिना उसके। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एज कैपिटल प्लस बीस कैपिटल, एज कैपिटल प्लस बीस कैपिटल। सपोज यहां पे मान लो इसकी कैपिटल है मान लो 100,000 और इसकी कैपिटल आई 150,000, बैलेंसिंग फिगर से आया है मान लो। क्लियर, कैसे आया है? बैलेंसिंग फिगर से 100,000 और 150,000 रुपए। तो ए और बी की कैपिटल कितने रुपए हो जाएगी? 250,000। ए और बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 250,000। ठीक है, और मान लो सी का शेयर यहाँ पे है 1/6, मान लो सी का शेयर कितना है? 1/6। अब जब भी आपको फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है तो जो कैपिटल आपके पास गिवन है, जो कैपिटल आपके पास है उनका शेयर आपके पास अगर है, अगर आपके पास कैपिटल है, कैपिटल के साथ आपके पास शेयर है, तो आप शेयर जितना भी शेयर है उसको रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकाल सकते हो। समझ में? हमारे पास ए और बी की कैपिटल है कितनी? 250,000। क्या हमारे पास ए और बी का शेयर है? नहीं, नहीं है। तो क्या हम ए और बी का शेयर निकाल सकते हैं? सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1 में से 1/6 गया, पीछे कितना बचेगा? ये किसका होएगा? ए और बी का। ठीक है, लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1। ठीक है, तो रिमेनिंग बोले तो ए एंड बी शेयर, ए एंड बी शेयर कितना होगा? 1 - 1/6, 5/6। अब मुझे ये बताओ ए और बी का शेयर कितना? 5/6। ए और बी की कैपिटल कितनी? 250,000। तो क्या हम फर्म के टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं? ए और बी की कैपिटल हमारे पास है, ए और बी का शेयर हमारे पास है, टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू 6/5 इंटू 250,000। कोई दिक्कत? 6/5 इंटू 2। ठीक है, ये जाएगा 50,000 आएगा यहाँ पे, 50,000 इंटू 6 3,00,000 रुपीस। कितना? 3,00,000। 3,00,000 रुपीस फर्म की टोटल कैपिटल होगी। समझ में आया? अब हम सीज कैपिटल निकाल सकते हैं क्या? हाँ। कैसे? 3,00,000 का 1/6, 50,000, या फिर टोटल कैपिटल कितनी है? 3,00,000। 3,00,000 में से 2,50,000 रुपए तो ए और बी की है, तो 50,000 ही तो बचेगी सी की। हाँ। समझ में आया? तो कभी भी न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम टोटल कैपिटल कैसे डिटरमाइन करते हैं? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। आपको कुछ नहीं करना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा बनाना है, फिर आपको ये वाली कैपिटल निकालनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली कैपिटल निकालने के बाद आपको इन दोनों को प्लस करना है, और उनका शेयर तो आपके पास है ही, क्योंकि न्यू का शेयर माइनस कर दो तो बचेगा किसका? इन दोनों का ही बचेगा। उस बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालो, और टोटल कैपिटल से सी की कैपिटल निकालो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे बाई कैश, यहाँ पे आप 50,000 रुपये लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका बैलेंस आ जाएगा 50,000। क्लियर है? हाँ। अब बहुत बार क्या है, ये तो पूरा क्लियर हुआ। अब बहुत बार क्या है, इसमें भी एक एडवांस क्वेश्चन आता है। इसका एडवांस क्वेश्चन आपको कैसे दे सकते हैं ये लोग? इसमें ये लोग क्या करेंगे कि आप
ए और बी की कैपिटल के बेसिस पे किसकी कैपिटल निकालो? सी की कैपिटल निकालो. ए और बी की कैपिटल के बेसिस पे किसकी कैपिटल निकालो? सी की. सी की कैपिटल निकालो. हमने निकाल ली सी की कैपिटल. कितने रुपए आई? 50,000 रुपए आई. अब ये लोग पता है आपको क्या बोलेंगे कि ए और बी की कैपिटल भी न्यू रेशियो में होनी चाहिए. ए और बी की कैपिटल भी किस रेशियो में होनी चाहिए? न्यू रेशियो में होनी चाहिए ए और बी की कैपिटल भी. मान लो ए और बी इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था मान लो 3:2. ए और बी इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2. समझ में आया? अभी हमें क्या चाहिए? न्यू रेशियो. न्यू रेशियो क्यों चाहिए? क्योंकि ए और बी की कैपिटल भी किस रेशियो में होनी चाहिए? न्यू रेशियो में. तो हमें क्या करना है? टोटल कैपिटल है जो 3,00,000 रुपए, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है. टोटल कैपिटल 3,00,000 रुपए को न्यू रेशियो में. तो हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? एज न्यू शेयर पहले निकालेंगे. शेयर कितना बचा था? 5/6 का 3/5 तो ए का, ठीक है, और 5/6 का 2/5 बी का. ये बी का न्यू आ गया. समझ में आया? तो ये गया 2, 5 से 5 गया, ये हो गया 1/2, ठीक है. ये गया 3, 5 से 5 गया, ये हो गया 1/3, ठीक है. तो ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6. सी का शेयर 1/6 ही तो है, ठीक है. तो एलसीएम कितना? 6. 3:2:1. समझ में आया? कहने का मतलब है कि देखो ए की कैपिटल कितनी थी? 1,00,000 रुपए, ठीक है, और बी की कैपिटल कितनी थी? 1,50,000 रुपए. ये थी, ये हमने निकाली, लेकिन यहां पे लिखी नहीं. क्या इस पहले वाले सॉल्यूशन में और इस वाले सॉल्यूशन में फर्क क्या है? पहले वाले सॉल्यूशन में हमने जो सॉल्यूशन करा वो सॉल्यूशन तब होता है जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो कि ए और बी की भी कैपिटल न्यू रेशियो में होगी. ऐसा नहीं लिखा हो तो ए की कैपिटल कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर से. बी की कैपिटल कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर से. उस बेसिस पे किसकी कैपिटल निकलेगी? सी की, जो कि हमने निकाल ली 50,000. ये 1,00,000 रुपए कैसे आए? ए की कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से. ये 1,50,000 रुपए बी की कैपिटल आई कैसे? आई बैलेंसिंग फिगर से. इस बेसिस पे हमने टोटल कैपिटल निकाल के सी की कैपिटल 50,000 रुपए निकाल ली. अब एक्चुअली में आपको क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो कि ए एंड बीज कैपिटल विल ऑल्सो इन द न्यू रेशियो, कि ए और बी की कैपिटल भी किस रेशियो में होगी? हाँ, ये लाइन क्वेश्चन में नहीं होती तो हम यहाँ टू बैलेंस सीडी 1,00,000 और 1,50,000 लिख देते. ये लाइन अगर क्वेश्चन में नहीं होती तो हम यहाँ टू बैलेंस सीडी कितने लिख देते? 1,00,000 और 1,50,000. लेकिन इस बार ऐसा हम लोग नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको टू बैलेंस सीडी निकालना है लेकिन वर्किंग नोट में, यहाँ लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ कैपिटल कुछ अलग आ सकती है. कैसे? इनका न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1, ठीक है. अब हम निकालेंगे एस कैपिटल. क्या निकालेंगे? एस कैपिटल कितनी? 3/6 × 3,00,000. कितनी? 3/6. ये आएगा 1,50,000. बीस कैपिटल कितनी है? 2/6 × 3,00,000. कितनी? 1,00,000. ठीक है, समझ में आ रहा है. और सीज कैपिटल आपके पास पहले से ही है 50,000 रुपए, और नहीं भी है तो निकाल भी लो. 1/6 × 3,00,000 50,000 ही आएगा ना. कोई दिक्कत? समझ में आया? ये कैपिटल आपको कहाँ लिखनी है? यहाँ पे 1,50,000, यहाँ आएगा 1,00,000 और यहाँ आएगा 50,000. कहने का मतलब था पहले यहाँ पे 1,00,000 था और यहाँ 1,00,000 50,000 था, लेकिन न्यू रेशियो की वजह से इनकी भी कैपिटल क्या हो गई? चेंज हो गई. तो देखो ये टॉपिक तो एक है लेकिन इसमें एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, केवल न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, समझ में आया, तो ए और बी की कैपिटल चेंज नहीं होगी, जो बैलेंसिंग फिगर से आ रही है वही रहेगी.
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया कि ए और बी के कैपिटल को भी क्या करना है, चेंज करना है, तो ए और बी के कैपिटल फिर आप यहाँ लिखोगे नहीं, यहाँ वर्किंग नोट में लिखनी है आपको। क्लियर है? ठीक है, ये आएंगे 50,000 रुपीज़ और ये इसकी टोटल ऐसे हो जाएगी। कोई दिक्कत? पूरा टॉपिक समझ में आया? Yes, sir. तो करना क्या है इस टॉपिक के, इस टॉपिक में आपको पहले नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, फिर क्वेश्चन में ये चेक करना कि कहीं ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को भी तो चेंज नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है, वही सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ 1,00,000 आ जाता, यहाँ 1,00,000 50,000 आ जाता और यहाँ 50,000 आ जाता, क्योंकि 1,00,000 तो बैलेंसिंग फिगर से आ ही रहा था, यहाँ भी 1,00,000 50,000 बैलेंसिंग फिगर से आ ही रहा था। क्लियर है? लेकिन अगर इनको कैपिटल चेंज करनी है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब होगा क्या, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इनकी टोटल में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इधर की टोटल ज्यादा आएगी, 1,50,000 प्लस ये, ठीक है, मान लो 1,70,000 आ गई, यहां भी कितनी आ जाएगी, 1,70,000। तो यहां बाई कैश या बैंक या करंट अकाउंट, बताया था ना तुम्हारे को बैलेंसिंग फिगर, समझ में आया? और ये मतलब या तो यहाँ टू कैश या करंट अकाउंट आएगा, या तो बैलेंस यहाँ ऐसे ऐसे आएगा या फिर बैलेंस ऐसे ऐसे आएगा। ये तो वैसे ही पहले के जैसे ट्रीटमेंट करते थे वैसे ही आएगा, समझ में आया? तो अगर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल चेंज नहीं होती तो खाली आपको न्यू की डिटरमाइन करनी है, ओल्ड की जो निकाली बैलेंसिंग फिगर से वही रहने दो। और अगर आपको ओल्ड की भी चेंज करनी है तो ओल्ड की चेंज होने के बाद या तो वो लाएंगे या वो ले जाएंगे, जैसे आपने पहले पढ़ा था, समझ में आया? कैपिटल अगर चेंज हो गई तो फिर DRCR दोनों साइड में से किसी की भी टोटल ज़्यादा आ सकती है, और कैपिटल चेंज नहीं हुई तो वो तो CR के टोटल माइनस, CR में से DR माइनस होके वो तो आ ही रहा था, वो तो आएगा ही। क्लियर है? पूरा टॉपिक क्लियर है? तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट टू, जिसमें हम न्यू पार्टनर के कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं किस बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। क्लियर है? ठीक है।